नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। हम आपके लिए हरियाणा की खबर लेकर आए हैं। पूरा हरियाणा नीले झंडे से पट चुका है। ग्राउंड रियलिटी जब आप देखेंगे तो आप यह कहेंगे कि अब की बार हरियाणा में बसपा सरकार, यही दिख रहा है। अब ईवीएम रियलिटी क्या होगा यह हम नहीं कह सकते। हम जमीनी सच्चाई आपके सामने लेकर आए हैं। आप हमारे पीछे यह वीडियो देख रहे होंगे जो कि बिल्कुल कल का शूट किया हुआ है। चारों तरफ हुजूम ही हुजूम नजर आ रहा है, वह भी नीले झंडे का। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बसपा नंबर वन पर रहेगी अथवा नंबर टू पर, और ऐसा ही दिख रहा है। हम पत्रकारों को भी कई बार बचकर निकलना पड़ता है, भीड़ को देखकर भीड़ जैसी बातें करनी पड़ती है। कई बार हम लोग ऐसा अपने आप को दिखाने लग जाते हैं कि शायद मैं भाजपा के लिए रिपोर्टिंग कर रहा हूं, लेकिन बड़े बुजुर्गों ने, कईयों ने सावधान कर दिया कि यहां आप भाजपा का नाम नहीं ले सकते, यहां पे केवल बसपा बसपा बसपा। मैं आपको बताऊं, गुरु रविदास मंदिर का जो मुद्दा है वो हरियाणा में सिर चढ़कर बोल रहा है। आप जगाधरी जाएंगे आपको आश्चर्य देखने को मिलेगा। वहां पर आदर्श पाल, एक नॉर्मल उम्मीदवार, और कुंवर पाल जो कि विधानसभा का स्पीकर, लेकिन लोगों ने तो यहां तक कह दिया कुंवर पाल तीसरे नंबर पर जा रहे हैं। यहां पर चारों तरफ आदर्श पाल आदर्श पाल ही है। रही बात यह है कि इस बार वाकई बसपा कार्यकर्ता को धन्यवाद करना चाहिए, वो काफी मेहनत कर रहे हैं, उनकी सराहना की जानी चाहिए। क्योंकि मैं आपको आज ग्राउंड रियलिटी बता रहा हूं। आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान और आपके सामने बिल्कुल सच्ची खबरें लेकर आ रहा हूं कि बसपा ने अपने ऐसे कार्यकर्ता को निकालना शुरू कर दिया है जो बहन मायावती जी के नाम पर सामान्य कार्यकर्ता से वसूली करते हैं और ये कहते हैं कि मैं जो बोल रहा हूं ये मेरा शब्द नहीं, बहन मायावती का शब्द है, वो पैसे मांगते हैं। और ये सारी खबरें बहन मायावती जी के पास किस्तों में ही सही, लेकिन अब पहुंचना शुरू हो गया है और उस पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। बिहार प्रभारी के इकाई यानी बिहार यूनिट के जो छठू राम को पार्टी से निकाल दिया गया, और यह बात सच है कि उनको पार्टी से निकाला गया है। और वो कहते फिर रहे हैं चारों तरफ कि मैं तो पार्टी छोड़ दिया, पार्टी में ये गलतियां हैं वो गलतियां हैं। अब कौन सच ये हम नहीं कह सकते, लेकिन यह भी सच्चाई है कि अब सामान्य कार्यकर्ता बहन मायावती जी से डायरेक्ट जुड़ने लग गए हैं, अपनी दर्द तकलीफें डायरेक्ट बताते हैं और बहन मायावती सुनती भी है हर जगह। जैसा कि आप जानते हैं आज नागपुर के इंदौरा मैदान में उनकी सभा चल रही है, छह ही नहीं बल्कि कई और मीटिंग बढ़ जाएगी, उनका रैली महाराष्ट्र में बढ़ेगा, और इसी तरह वह हरियाणा पे भी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। हरियाणा के जब चारों तरफ घूमेंगे तो जाहिर सी बात है कि भाजपा सत्ता में है और सत्ता की धमक और खनक तो होती ही है। जहां पैसों की चमक होगी वहां भाजपा दिखता है, ऐसा नहीं है कि भाजपा दिख नहीं रहा है, लेकिन जब जमीनी सच्चाई पर आएंगे, गरीब लोगों से पूछेंगे कि आप ईमानदारी से बताइए किसको वोट दे रहे हैं, तो वो यही कहते हैं कि इस बार तो हाथी पे बटन दबेगा। अब हम नहीं कह सकते कि वोटिंग 54% हो रहा है, 55% हो रहा है और काउंटिंग 70% हो जाएगा, तो इसमें हमारी क्या गलती है। हम तो ईमानदारी पूर्वक बसपा का बटन दबाएंगे और इस बार चाहते हैं कि किसी तरह बसपा सरकार बन जाए हरियाणा में और गुरु रविदास मंदिर का जो मसला है वो बसपा सरकार सुलझाए। लोगों के जुबान पर है। रही बात ये, बसपा के अंदर कुछ ऐसे कार्यकर्ता है जो गुरु रविदास मंदिर के लिए पसीना ही नहीं बहाया बल्कि वो जेल तक पहुंच चुके हैं, और बसपा इससे थोड़ा सा दूर हटना चाहती है, अपने आप को दिखाना चाहती है। लेकिन मैं बता दूं ये एक राजनीतिक मसला है। बसपा कभी भी गुरु रविदास से दूर नहीं है, अपने समाज से दूर नहीं है। हम बाहर की भी रिपोर्टिंग करते हैं और बीच में जाकर बैठकर भी रिपोर्टिंग करते हैं, उनके बीच जाकर बात करते हैं। बसपा कभी भी गुरु रविदास मंदिर से अलग नहीं रही है, यही सच है। अब रही बात यह है कि जब किसी कार्यकर्ता के ऊपर
देशद्रोह का या उल्टे सीधे सेक्शन लग जाते हैं तो उनको वकील भेजकर सपोर्ट बसपा करती है, ना कि रोड पर आकर चौक चौराहे पर आकर हंगामा करती है। यही सच है। और आप इसका रिजल्ट देखेंगे, हरियाणा में बसपा एक अच्छा मैंडेट लेकर आ रही है। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।